हे गाइस, आज की इस वीडियो में वन प्लस नॉर्ड सी टू लाइट 5G वर्सेस पोको एक्स 4 प्रो 5G का फुल कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है आपकी नीड के अकॉर्डिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन फोन्स की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। तो वन प्लस नॉर्ड सी टू लाइट 5G में आपको 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, एंड साथ ही में इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड की गई है। वहीं दूसरे ओर पोको X4 प्रो में आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट प्रोवाइड की गई है। वन प्लस नॉर्ड सी टू लाइट 5G में आपको प्लास्टिक व्हील दिया गया है, एंड इसके फ्रंट में उन्होंने कौन सा ग्लास यूज़ किया है उन्होंने क्लियर नहीं किया है, यानी कि उसके ऊपर कौन सा ग्लास उन्होंने दिया है उन्होंने मेंशन नहीं किया है। जबकि पोको X4 प्रो 5G में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया है, जो काफ़ी बढ़िया है, एंड इस फोन में आपको 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड दोनों ही फोन्स में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। तो गाइस, अगर आपको एक डिस्प्ले क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छी डिस्प्ले का फ़ोन चाहिए, तो आप पोको X4 प्रो 5G को परचेस कीजिए, बिकॉज इस फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, एंड साथ ही में इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया है इसके फ्रंट पे। तो डिस्प्ले के मामले में पोको X4 प्रो 5G अच्छा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। तो वन प्लस नॉर्ड सी टू लाइट 5G में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपका प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का दिया गया है। सेकंड, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है, एंड थर्ड, इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पोको X4 प्रो 5G में भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, एंड सेकंड, इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट सेंसर प्रोवाइड किया गया है, एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरास के बारे में। तो दोनों ही फोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड दोनों ही स्मार्टफोन से आप 1080p @30fps पर वीडियोस को शूट कर पाओगे। आप किसी भी स्मार्टफोन में 4K वीडियो शूट नहीं कर सकते हो। तो कैमरास के मामले में पोको X4 प्रो 5G अच्छा है, बिकॉज इस फोन में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइट सेंसर दिया जा रहा है, लेकिन वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G में आपको सिर्फ 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर दिए जा रहे हैं, जो यूजलेस हैं। तो अगर आपको एक कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप पोको X4 प्रो 5G को परचेस कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। तो वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm प्रोसेसर है। वहीं दूसरी ओर पोको X4 प्रो 5G में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर दिया गया है, जो 6nm की टेक्नोलॉजी पर बनाए। बात करें GPU की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको Adreno 619 का GPU दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा है, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G में आपको 5G सपोर्ट मिलता है, इसमें आपको 7 5G बैंड प्रोवाइड किए गए हैं, एंड सेम पोको X4 प्रो 5G में आपको 7 5G बैंड प्रोवाइड किए गए हैं, एंड ये भी 5G को सपोर्ट करता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G का बेस वेरियंट 6GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज के साथ में आता है, जबकि पोको X4 प्रो 5G का बेस वेरिएंट 6GB रैम एंड 64GB की स्टोरेज के साथ में आता है। तो रैम के मामले में एंड स्टोरेज के मामले में वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G अच्छा है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के OS के बारे में। तो वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड आता है, एंड इसमें आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। वहीं दूसरी ओर पोको X4 प्रो 5G MIUI पर बेस्ड आता है, एंड इस फोन में आपको एंड्रॉयड 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको अच्छी गेमिंग मिले, साथ ही साथ उसमें आपको क्लीन UI मिले, तो आप वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G को परचेस कीजिए, बिकॉज इस फोन में आपको 6GB रैम एंड 128GB की स्टोरेज दी गई है, साथ ही में इसका जो UI है वो क्लीन मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स की ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G में आपको लीनियर स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं, एंड साथ ही में इस फोन में आपको 3.5mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन पोको X4 प्रो 5G में आपको डुअल स्पीकर प्रोवाइड किए गए हैं, साथ ही में इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है, एंड इस फोन में भी आपको 3.5mm के ऑडियो जैक प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऑडियो क्वालिटी के मामले में पोको X4 प्रो 5G अच्छा है। अब हम बात करते हैं इन दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ के बारे में। तो वन प्लस नॉट सी टू लाइट 5G में आपको 5000mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, एंड पोको X4 प्रो 5G में आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 67W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। तो अगर आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन चाहिए, तो आप पोको X4 प्रो 5G के साथ में जाइए। ऑलमोस्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको सेम
बैटरी साइज मिलता है, लेकिन जो चार्जिंग सपोर्ट है वो पोको एक्स फोर प्रो 5G का अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको 67 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया है जो आपके फ़ोन को एक घंटे के अंदर में चार्ज कर देगा। तो हम बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के प्राइस के बारे में। तो वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट 5G का प्राइस 19,999 रुपये, यानी कि 1 रुपये कम है 20,000 रुपये में। वहीं पोको एक्स 4 प्रो 5G का प्राइस 18,499 रुपये के समथिंग है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो अंडर 19 है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा है आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको क्लीन UI चाहिए तो आप वन प्लस नॉट सी ई टू लाइट 5G को परचेस कीजिए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको AMOLED पैनल चाहिए, साथ ही में उसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर चाहिए एंड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी चाहिए, देन आप पोको एक्स 4 प्रो 5G को परचेस कीजिए। एंड मैं अपनी राय दूँ तो आप पोको एक्स 4 प्रो 5G को ही परचेस कीजिए, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। अभी के समय पर पोको एक्स 4 प्रो 5G के ऊपर सेल चल रही है, तो अब आप इस स्मार्टफोन को अंडर 16K या फिर अंडर 17K परचेस कर सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। तो ये थे इन दोनों स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेक्निकल गौरव। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।